नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ चुके हैं नमो घाट पर, और अभी हम खड़े हैं नमो घाट के जो कि पार्किंग एरिया है कार और बाइक का, वहीं पर आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे नमो घाट तथा गंगा जी का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है और कितना कम हुआ है, सारा कुछ दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहे। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये कार पार्किंग एरिया है, यहाँ की कार पार्किंग हुई है, और ये सामने ही हमारे बाइक पार्किंग एरिया है, देख पा रहे हैं। और ऊपर से जो कि जा रही है ट्रेन पुल पर से, और ये जो कि इधर ही से आना है आपको, जो कि राजघाट पुल से उतर कर भी आप आ सकते हैं, और यहीं से जो कि गेट है नमोघाट जाने का। आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं दोस्तों जो कि रास्ता, इसी रास्ते से आपको नमोघाट के लिए आना है। और आते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे दुकानें हैं जो कि एज ए रेस्टोरेंट है, आपको अपनी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और जो कि हमारे सामने ही है आपका नमो घाट का गेट, देख पा रहे हैं, और जो कि बगल में ही लगाया गया है गेट के पास में ही सीएनजी पॉइंट जो कि गेल इंडिया का है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कि सीएनजी का रेट भी शो कर रहा है, और ये सीएनजी पॉइंट है, ये देख पा रहे हैं। और सामने ही गेट है जो कि यहाँ से इंटर करना है, और आइए आपको अंदर ले चलते हैं, दिखाया जाता है गेट इंटर करने के बाद। ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टीन सेट बनाए गए हैं, और यहाँ साइड में किस तरह से लगाए गए हैं गमले, और जो कि रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं खाने पीने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और काफ़ी सारे लोग घूमने वाले भी आए हुए हैं। देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं, और यहीं लेफ्ट साइड में ही हनुमान जी की जो कि मंदिर है। और दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम आपको लेकर आ गए हैं नमो घाट, जहाँ की हाथ जोड़े हुए नमो घाट, और इस घाट को खिड़किया घाट पे भी नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे किस तरह से लोग फोटो खिंचाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं, और घाटों पे किस तरह से लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं ये आपको दिखा देते हैं। और ये देख सकते हैं ये कि एक तरह सेल्फी पॉइंट है, जहाँ के लोग सेल्फी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और आपको अभी नीचे ले चलेंगे, पहले ऊपर का एरिया दिखा देते हैं। और सामने यह देख सकते हैं गोवर्धन धारी मंदिर, और ये देख पा रहे हैं जो कि नमो घाट यहाँ पर लिखा भी गया है। और सामने ये जो कि रेस्टोरेंट है जो कि अभी आपको दिखाए हैं, जहाँ के लोग बैठकर खा रहे हैं, और किस तरह से पेड़ों से सजाया गया है ये भी देख सकते हैं, और काफ़ी साफ सुथरा घाट है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे फूल माला बेचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आइए आपको नीचे ले चलते हैं, अब नीचे का एरिया दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि किस तरह से हाथ जोड़े हुए खिड़किया घाट और नमो घाट के नीचे भी नाम से जाना जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से तीनों हाथ जोड़े हुए नमो घाट पर किस तरह से लोग घूमते हुए और मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस घाट को खिड़किया घाट के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको ले चलते हैं गंगा जी का जलस्तर दिखाते हैं। देखिए सामने ही है जलस्तर,
जो कि पानी बढ़ा हुआ था कम हो चुका है। और ये देख पा रहे हैं जो कि जस्ट ऊपर के घाट के बाद नीचे जो कि पानी भरा हुआ है, जैसे कि राजघाट पे भरा हुआ है। और इधर आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं किस तरह से घाटों पर लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो कि बच्चों की गाड़ियाँ ट्रेन भी चलाई जा रही है, वो भी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ ये भी देख सकते हैं गमलों से किस तरह से सजाया गया है। और ये हर शाम इसी तरह से गुलजार होते हैं नमो घाट। और ये देख सकते हैं जो कि ये बस चलाई जा रही है, जो कि इलेक्ट्रिक बस है। और इलेक्ट्रिक जो कि गाड़ियां हैं ट्रेन वाली, जिसमें कि आप 50 रुपये देकर सैर कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। ये देख पा रहे हैं। और आइए आपको अब ले चलते हैं फेज टू वाले एरिया में, जहाँ की फेज टू का कार्य अभी चल रहा है। देख सकते हैं सीढ़ियों पर किस तरह से लोग बैठकर फोटो वगैरह खींच रहे हैं। और यहाँ माताएं बहनें भी घूमते हुए नजर आ रही हैं। और ये है फेज टू का एरिया, आपको दिखा देते हैं जहाँ की पानी भरा हुआ है। शायद जाने को मिलेगा नहीं, वो तो देखा जाएगा, लेकिन आगे अभी चलते हैं। ये देख पा रहे हैं कि लोग साइड से फेज टू वाले एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि सामने से पानी भरा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं से डूबा हुआ है। और लोग दूसरी तरफ से जा जाकर वहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। और अभी भी डूबा हुआ है। आइए आपको दूसरी तरफ से ले चलते हैं, जो कि स्लोप बनाया गया है उधर से फेज टू के एरिया में, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देख पा रहे हैं जो कि यह है स्लोप, जो कि व्यंग लोगों के लिए भी ये कारगर है। ये देख पा रहे हैं किस तरह से स्लोप पर से लोग घूम घूम कर आ रहे हैं, और हम आपको ऊपर लेकर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पानी और नमकीन वगैरह झालमुड़ी सभी कुछ बेचे जा रहे हैं। और ये फेज टू का एरिया है, देख पा रहे हैं। और यहाँ से आपको गंगा जी का जलस्तर दिखा देते हैं। और ये देख सकते हैं खंबे पर जो कि सेंटीमीटर दर्शाया गया है, पानी कितना बढ़ा है कितना कम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दर्शाया गया है, आपको दिखा देते हैं। ये देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है खंबे पर, क्योंकि खंबा अभी डूबा हुआ है। और गंगा जी का जलस्तर बहते हुए देख पा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बहाव है। और ये देख पा रहे हैं जो कि हम आपको ले चल रहे हैं फेज टू की तरफ आगे। ये लाइटें देख सकते हैं किस तरह से खंबे पर लगाए गए हैं, जो कि जलेंगे तो काफ़ी सुंदर नज़र आएंगे, लेकिन अभी क्योंकि अंधेरा नहीं होने की वजह से जल नहीं रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कार्य प्रगति पर है, तो घाट को अभी थोड़ा गंदा है, लेकिन ये भी नमो घाट जैसा साफ सुथरा हो जाएगा। और काफ़ी दूर तक है दोस्तों, आपको ले चलते हैं दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि हम फेज टू वाले एरिया में हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों को लगाया जा रहा है, जो कि बड़ा होने पर ये ऑक्सीजन भी देंगे और छांव भी देंगे। और यहाँ पे किस तरह से लोग बैठे हुए घूमते टहलते नजर आ रहे हैं, सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी लंबा ये घाट बनाया जा रहा है फेज टू का,
आपको लास्ट तक ले चलते हैं, पूरा दिखाते हैं। और देखिए इधर की बाउंड्री लाइन है जो कि नीचे का एरिया अभी डूबा हुआ है। ये देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग इधर भी घूमने के लिए आए हुए हैं। और ये जो कि कुछ आगे तक बनाया गया है ये भी दिखा देते हैं आपको, देख पा रहे हैं। काफी अच्छा घाट बनाया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कि नावें भी कई सारी लगाई गई हैं जो कि सरकारी नावें हैं। फिर उसके बाद जब खत्म हो जाएगा ना पूरा तो हटा देना कैमरा, तो पूरा डिले में करना। और इधर देख पा रहे हैं कि इस तरह से पानी जो कि भरा हुआ है, देख पा रहे हैं मिट्टी भी जम चुका है और यहाँ कई सारे नावें जो कि लगाई गई हैं। आइए आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। और ये जो कि नया बनाया जा रहा है, अभी कार्य चल रहा है जिसपे कि डमरू वाले ईंटें बिछाए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं। और इधर जो कि दूर दराज के लोग आने वालों के लिए होटल वगैरह भी तैयार किए जा रहे हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। और इसी तरह का जो कि अभी आपको दिखाए हैं ये भी इधर भी बनाया गया है, दोनों तरफ है। एक देख सकते हैं हमारे पीछे दिखाई दे रहा है और एक ये। और यहाँ घाटों पर किस तरह से लोग हैं ये भी दिखा देते हैं। और यहाँ लोग बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं बाउंड्री लाइन है। और ये हम आपको लेकर आ चुके हैं लास्ट एरिया में, जहाँ के घाट यहाँ तक समाप्त है, इसके बाद बन रहा है जो कि होटल वगैरह। देख सकते हैं किनारे पर लोग यहाँ पर खड़े हैं। और आपको जो होटल बनाया जा रहा है और घाट भी है जो बनाया जा रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं। और ये जो एरिया है ये जो कि घाट रोड बनाया जा रहा है और होटल बनाए जा रहे हैं। और उधर जाने का जो कि रास्ता नहीं है, इसलिए आपको दूर से ही दिखा दे रहे हैं। जब बन के तैयार होगा तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़रूर अच्छी लगी तो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।